नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। हल्का जलालाबाद के गांव मोरियावाली में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र आमला के हक में इकबाल सिंह बराड को लड्डुओं के साथ तोल के सम्मानित किया गया, और इकबाल सिंह बराड ने पब्लिक को विश्वास दिलाया कि मोरियावाली में काम पड़े हैं वह जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। उनके साथ सरदार सुखवंत सिंह बराड, काला मंगलानी, राणा ठेठी अरनीवाल और कांग्रेस पार्टी के वर्कर शामिल थे, और कांग्रेसी पार्टी के वर्करों द्वारा इकबाल सिंह बराड को बहुत बड़ा सम्मान मिला। पंजाब से हमारे संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। मैं मेरे पिंड मोरियावाली के सारे वसनीकों का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अज सारे गरीब भरावान ने सारिया बरादरियां रल के इकट्ठे होकर रविंद्र आमला की चोन मुहिम अगे बधाते हुए मैनू भारी गिनती के इकट्ठे होकर लड्डुआं तोलिया। मैं बहुत ऋणी रहांगा इन्होंने गरीब भरावान का, तहे दिलों शुक्रिया सारिया का। तो मैं नाल बेनती भी करना है कि साढ़े जलालाबाद हल्के तो उम्मीदवार रविंद्र आमला जी ने आसे पासे सारे पिंड तो वोट पा के वड्डी जीत दवा के जितावे। मैं बलतार ढिल्लों एक सरपंच मुराद वाला अज सवेरे सवेरे बड़ा मन खुश होया जो इकबाल बराड जी नाल पिंड मोरियावाली विखे वड्डी गिनती च लोग इकट्ठे होए सारिया बरादरियां दे जिन्हां ने इकबाल बराड जी नूं लड्डुआं नाल तोलिया भी, तो कांग्रेस पार्टी की वध तो वध सपोर्ट उन्होंने करन दा आश्वासन दिता। तो असीं पूरी उम्मीद करते हैं कि इस पिंड चों ही नहीं पूरे हल्के चों कांग्रेस पार्टी बहुत वड्डी लीड नाल अगे जाएगी, और रविंद्र सिंह आमला जी की जिहड़ी चोण मुहिम है इसनों अज बहुत वड्डा हुंगारा मिलिया, और सारे वर्कर साथी बड़े उत्साह सन। तो असीं इकबाल बराड जी का भी जिहड़ा ये काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी लई इन्हां दा भी धन्नवादी हैं, और सारे लोगों के धन्नवादी हैं जिन्होंने सानूं इन्ना प्यार ते सत्कार दिता। आप जी का सब का बहुत बहुत धन्यवाद। 21 तरीक नूं कांग्रेस पार्टी नूं वोटां पा के पंजे ते मोहर ला के जिताओ ता कि आपां जिहड़े हल्के दे विकास रह चुके आ बाकी रह गए उन्हां सारिआं नूं जल्दी तो जल्दी करा के लोगों के प्यार दे भागीदार बणे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज मैं तहे दिलों अपने पिंड मोरियावाली का धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने मेरे वड्डे भरा इकबाल बराड जी नूं लड्डुआं नाल तोलिया ते आवला जी के हक में वोटा मंगिया, जिते साडू गरीब परिवारों का बहुत वड्डा सहयोग मिलिया। मैं तहे दिलों धन्यवाद करता हाँ। चेयरमैन उन्हां दे नाल मेरा पुत्र इकबाल, सरपंच साहब पंजा लखविंदर सिंह माड़ू जी, मेरे साबका मैंबर लखमीर सिंह, सरपंच साहब मेहर सिंह, बलजीत सिंह मैंबर पंचायत, मेरा पुत्र श्री मैंबर पंचायत चिमन सिंह, जो भी सारे नगर जो मनजीत सिंह जा साबका मैंबर पंचायत सारिया का मैं इतने आने से दिया आखदा। बाकी बेनती करदा कि आप इकट्ठ जो इकबाल सिंह पुत्र आप इतने बड़ा मान सत्कार देन लगे हैं जिहड़ा कि निक्की जी उम्र बड़ियां बुलंदियां छूण लगा है आपकी मंजिल वाल सर करता पिया है। आप मेरी बेनती है चलो आप कांग्रेस के नाल भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नाल ही जुड़िया अगे आपू काम देगा नवा मुंडा है चढ़ती कला च मुंडा है, इसलिए मैं बेनती करता सारे परिवार को अपना परिवार ही एक तरह जो आप इकट्ठे हुए हैं कि आप कांग्रेस को एक वोटा पा के जे आप जो अधूरे काम अपने अकाली सरकार के जो भी काम अपने मूले जगत मुद्दों बोलिया जिहड़ियां भी आ धर्मशाला ने जे अपने पौनिया सिंह की बनी है जां मजीबिया सिंह की धर्मशाला बनी है वह सारी कांग्रेस सरकार वेले बनी है। उस तो बाद दस सरकार अपनी रही है अकालिया की, उन्होंने कोई इनकी रिपेयर नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। मैं बेनती करना भी अपने 12 अकाली दल के जो भी है उन्होंने धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतेह किया जाएगा। आओ जी,
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद विरोध जिंदाबाद विरोध जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद थोड़े खोल के करा लो खोल के हां पीछे पे मारे खींचे देखे ये कौन बेटा मगर कर ला सारे भी आ जाओ सारे की फोटो आ जाओ इनन दी सारे कट दी पीछे आ जाओ बीबियां दी पीछे आ जाओ पार्टी आ जाओ आ जाओ आजा दे लगा ले मारे में क्या ही मारे मारे साहब अभी क्यों वाले आउंदे एंड फेस के आई थोड़ा है पीछे चलो ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਤ ਦਾ ਸਾਫ ਬੰਦਾ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਊ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਅਤੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਥਾਣਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਐਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਐੱਚ ਓ ਨੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਘਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸ ਐੱਚ ਓ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੂਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-4 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੌਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਝਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਦੇ ਬਰਾਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਇਕਬਾਲ ਬਰਾੜ ਸੁਖਵੰਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਮਰਾਦ ਵਾਲਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰਨੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਕਬਾਲ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਮੇਰੀ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਅਰਨੀਵਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੌਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ DSP ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ SSP ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਬਰਾੜ ਕਰਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੂਰਵ
गदरपुर के निकटवर्ती ग्राम मस्जिद से चोरी हुए ट्रक पर काम करते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। एएसपी डॉक्टर जगदीश चंद ने बताया कि ग्राम मस्जिद से कुछ दिन पूर्व एक ट्रक चोरी हो गया था, जिस पर एक एफआईआर लिखने के बाद गदरपुर पुलिस ने बड़े अंतरराज्य ट्रक चोर का गिरोह पकड़ा है, जिसमें दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं और दो लोग अभी फरार चल रहे हैं। साथ ही दो अन्य लोग जो चोरी किए हुए ट्रकों के पार्ट्स खरीदते थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। यह गिरोह देहरादून के साथ ही अन्य कई स्थानों की पुलिस की नजर में था, लेकिन गदरपुर पुलिस ने टीम वर्क करते हुए एक अच्छा काम किया। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शानूर अली से बात करते हैं एसएसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र काशीपुर। सितंबर को तौफीक अहमद और लतीफ निवासी उनका एक दशहरा ट्रक चोरी चला गया था। 21 तारीख को थाना गदरपुर में इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई। इसकी खोजबीन के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना गदरपुर के जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एसओपी की टीम थी, स्थानीय हमारे उप निरीक्षक और कुछ तेज तकरार कॉन्स्टेबल उसमें लगाए गए। पुलिस टीम को इसमें कुछ क्लू मिले और इस टीम के द्वारा उत्तराखंड के अलावा बाहर के राज्यों में भी ताबड़तोड़ दबिशें दी और अंततः इनको सफलता मिली। दो अभियुक्तों को इसमें अभी गिरफ्तार किया गया है, जो कि गालिब नाम है जिसका और दूसरा सुमित है। इनके द्वारा यहां से ट्रक चोरी करने के बाद विकासपुरी ले जाया गया, जहां पे इन ट्रकों को काट दिया जाता है। इस ट्रक का भी वहाँ पे काट छाट हो गई थी। एक इंजन बरामद किया है, साथ में ही इनके जो पार्ट्स बेचे गए थे उसके 5 लाख रुपए भी इन अभियुक्तों से बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इनके दो अन्य साथी जिनका कि नाम आबाद खान और शहजाद है, वो किसी मामले में मुजफ्फरनगर जेल में चले गए हैं, अंदर चले गए हैं, उनको वारंट भी पे लिया जाएगा। साथ में ही इनको खरीदने वाले जो विकासपुरी के जोगी और जित्तू हैं, ये अभी फरार चल रहे हैं, पुलिस इनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित करेगी। एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली आदि जगहों से ट्रकों की चोरी करते हैं और उसके बाद आगे बेच देते हैं। पुलिस टीम का ये बहुत अच्छा कार्य रहा है और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कई थानों की पुलिस लगी हुई थी इस गिरोह के पीछे, लेकिन हमारी टीम इसमें सबसे आगे रही और उनके द्वारा अंततः इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और इसमें माल बरामद किया गया। टीम के उत्साहवर्धन के लिए 1500 रुपये के इनाम की घोषणा की गई। पान की दवा लेने के लिए बागपुरम में दामाद के साथ जा रही थी, तो दामाद जो मुरेंद्र है वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल डिसबैलेंस होने की वजह से जो रोड पे गिर गई और पीछे से एक ट्रक जो आ रहा था उसके टारगेट ने। केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद के पदाधिकारियों ने सुरक्षा के नाम पर पुलिस बुलवा करके छात्रों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा, जबकि प्रत्येक छात्र को आई कार्ड के साथ आज कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर प्रवेश कराया जा रहा था। सुबह से मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं कुलपति। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आखिरकार कैमरे के सामने आने से क्यों बच रहे हैं, देखिए आखिर पूरा मामला क्या हुआ। यह प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात है, यहाँ तक कि आरपीएफ की टुकड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। सीआरपी, पीएससी और स्थानीय पुलिस बल सभी लोग मिलकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन व सिटी प्रांगण के अंदर मौजूद है। इन सबके बावजूद पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह धमकी दी कि जो भी नामांकन करेगा वह अपनी सुरक्षा खुद करेगा, आखिरकार इसका क्या मतलब निकाला जाए। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से पढ़ने का माहौल है, बस विश्वविद्यालय से निष्कासित चंद अराजक छात्र, 8 से 10 अराजक छात्र जो विश्वविद्यालय से निकाले जा चुके हैं, निष्कासित हैं, जिनका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए, पर्सनल एजेंडे के लिए विश्वविद्यालय को अशांत करते हैं, आम छात्रों को बरगलाते हैं। आप देखिए कि पिछले 2-3 दिनों में विश्वविद्यालय में जो तोड़फोड़ हुई, वह तोड़फोड़ किसने की? उन तोड़फोड़ के पीछे निष्कासित छात्र हैं जो यहाँ के पूर्व में छात्र संघ पदाधिकारी रह चुके हैं। मालूम था कि विश्वविद्यालय अराजक तत्वों के हवाले हो चुका है, आपने पहले से फोर्स क्यों नहीं बुलाई? विश्वविद्यालय प्रशासन ने निरंतर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखा है,
चीफ प्रॉक्टर महोदय की संदर्भ में उनसे निरंतर मीटिंगें हुई हैं, वार्ताएं हुई हैं। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ है, विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी पुलिस के साथ कोई भी पदाधिकारी नहीं है, सब अपने आपसों में बैठे हुए। ये आपका आरोप एकदम सरासर गलत है। मैं आपको 10 से 20 ऐसे वीडियो दे सकता हूँ। पुलिस के साथ चीफ प्रॉक्टर थे, इलेक्शन ऑफिसर थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, रजिस्ट्रार महोदय थे, और परसों ही यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय और पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में कैंपस में गड्ढे घुमाए गए थे। उसके बाद जब लाठी चली थी तो आपको लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई अधिकारी वहाँ पे था? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 2 से 4 लोग हैं, 8 से 10 लोग हैं जो निरंतर विश्वविद्यालय को अराजक करने के लिए, मैं लोकतंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जो लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ फोड़ रहे हैं, तकरीबन 24 से 25 शिक्षकों के गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, आप मुझे बताइए वो शीशे तोड़ने वाले लोग कौन थे? विश्वविद्यालय प्रशासन ने फोर्स जो बुलाई है, सुरक्षा के लिए बुलाई है या पढ़ने वाले छात्रों को पिटवाने के लिए? पढ़ने वाला कोई छात्र नहीं पिटा गया, कोई भी छात्र सामने आए, मीडिया के सामने आए, बताए, वीडियो है हमारे पास। कम से कम 15 छात्रों ने हमारे कैमरे में ये बोला है कि सर ये देखिए मेरा आई कार्ड है और हम पढ़ने आए हुए हैं, क्लास लेने आए हैं, बिना आई कार्ड का यूनिवर्सिटी में किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। वो छात्र जो कैंपस में है आई कार्ड के साथ में है, जिनकी जोड़ों की तलाशी ली गई, उसके बाद पीटे जा रहे हैं क्या, किस लिए, इस पर क्या कहना है? मैं आपको आश्वस्त करता हूं और बता रहा हूं साफ साफ कि कोई भी छात्र जो आम छात्र है, जो पढ़ने वाला छात्र है, जो क्लास करने आया है, उस पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, और जो आप बात कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। किसी भी छात्र के साथ, आम छात्र के साथ कोई लाठीचार्ज नहीं हुई है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति मौके पर उपद्रव करता पकड़ा जाएगा तो पुलिस बल प्रयोग करेगी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम चितरंजन कुमार है, जनसंपर्क अधिकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। पूर्व छात्र संघ के पदाधिकारी छात्र परिषद का विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक उन्होंने ये कह डाला कि जिन्होंने भी नामांकन कराया है वो अपनी सुरक्षा खुद करे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन लोगों का ये पुराना रवैया है, ये जब पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने कल प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की कि सब लोग अपनी रक्षा करें, ये जब अध्यक्ष थे तब भी इन्होंने विश्वविद्यालय को आग के और हंगामा के हवाले कर दिया था। ला फैकल्टी का एक ऑडिटोरियम इन्होंने जला करके 1.5-2 करोड़ रुपए का नुकसान किया था। चारों परिसरों में हाहाकार मच गया था, सारे अध्यापकों की गाड़ियां तोड़वा दी थी। ये बेसिकली अध्यक्ष का, इनको भगवान की कृपा से एक जामा मिल गया है, लेकिन ये अपराधी हैं शुद्ध। जिसको इस बात का ज्ञान न हो कि वो प्रेस वार्ता में इस प्रकार का उद्घोष कर रहा है, ये किस कानून के तहत इनको सुरक्षा मिलेगी इस बात से? ये बिल्कुल, मैं अब इस बात को खुलेआम कह सकता हूँ कि इन्होंने विश्वविद्यालय को अपने आतंक के हवाले कर दिया। सारे लड़के आज नामांकन वापस ले रहे हैं उस इनके प्रेस वार्ता से, और इन्होंने प्रेस रिलीज को ऑडियो के रूप में बना करके वायरल किया, जिसको सारे लड़कों ने सुना जो नामांकन किए थे, उनके परिवार वालों ने सुना, और वो भाई के मारे रात में 12 बजे हमसे फोन किए। मैंने तत्काल एक पत्र लिख करके SSP, SP सिटी सबको सूचित किया कि इस प्रकार का माहौल बन रहा है, और आज वे लड़के सब आकर के अपना नामांकन विड्राल का एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो यह विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ कहना इनके लिए कलंक है, ये छात्र संघ नहीं है, क्योंकि जिसको विश्वविद्यालय से मोह नहीं है, जिसको विश्वविद्यालय की प्रॉपर्टी से मोह नहीं है, जिसको विश्वविद्यालय के स्तर से मोह नहीं है, जो कानून का अतिक्रमण करके अपनी वाणी को संयमित नहीं कर पा रहा है, ऐसा व्यक्ति छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में कलंकित कर रहा है। चुनाव शांतिपूर्वक हो सके उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? उसके लिए इतनी व्यवस्था की गई है, लेकिन वह सारी व्यवस्था से ये ऊपर है। जितनी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा सकती थी वह सारी व्यवस्था की गई। एक प्रेस वार्ता, छात्र परिषद के चुनाव के लिए 17 छात्रों ने नामांकन किया था, 17 में से 10 छात्रों ने नामांकन वापस ले लिया है। चीफ प्रॉक्टर ये कह रहे हैं कि छात्रों में भय उत्पन्न हो गया है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था आपने दे रखी हुई है, क्या आपको लगता है कि छात्र परिषद का चुनाव हो पाएगा? देखिए, छात्र परिषद का जो चुनावी प्रक्रिया है वो विश्वविद्यालय प्रशासन उस चीज़ को अच्छे से जानना है। हमारा काम उन्हें सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। आप देख रहे होंगे कि पूरा विश्वविद्यालय परिसर और विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी पर्याप्त फोर्स लगी हुई है, सबकी ब्रीफिंग है, अंदर क्लासेज अच्छे से चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, कक्षाओं में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और ना ही कोई व्यवधान होने देंगे। बाकी जो नॉमिनेशन वापस लेने या उसकी प्रक्रियागत जो बातें हैं वो विश्वविद्यालय प्रशासन की कायदे से बता पाएंगे। पत्रकार वार्ता करके छात्रों को धमकी दी गई कि जिन्होंने नामांकन किया है वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये
ये कहना बिल्कुल गलत है और इस प्रकार की धमकी देना भी बिल्कुल गलत है, वो जायज़ नहीं है। और इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन हो सकता है मुझे कोई तहरीर दे या हम उसकी स्वतः संज्ञान लेंगे। और जो भी छात्र नॉमिनेशन करा रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं निर्भीक होकर के इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसा हम उन्हें आश्वस्त करते हैं। उन्हें पूरी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और वो जब तक चाहेंगे तब तक सुरक्षा व्यवस्था उन्हें उपलब्ध। हरियाणा के अंबाला विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी बहुमत के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रचार प्रसार जोर पर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बुढ़ापा पेंशन 5100 कर दिया जाएगा, किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी जाएगी। हरियाणा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो सीधा 2000 से बढ़ाकर पेंशन 5100 रुपए हो जाएगी, 2000 में घर चलता है क्या? आप देखिए, और वो 2000 लेने के लिए भी बुजुर्गों को धक्के खाने पड़ते हैं। मैडम ये वादा है या पूरा करेंगे? जी खाली ये वादा है या पूरा करेंगे? वायदा है, सरकार आती ही पूरा करेंगे। और अंबाला में क्या क्या चेंजिंग करने का विचार है? अंबाला में तो बहुत चेंजेस करने हैं जी, शुरुआत सड़कों से करेंगे, गलियों से करेंगे, नालियों से करेंगे, और टूटी हुई जो सड़कें हैं, आप लावारिस पशु देखिए, नशा, बेरोजगारी, बहुत काम है, बहुत काम है अंबाला में करने वाले, सारे काम करेंगे, हमारे व्यापारियों को फायदा पहुंचाएंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे और हर वो काम करेंगे जिससे कि हमारे भाइयों को, युवाओं को रोजगार मिले। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, जैसा कि बीजेपी बोल रही है 75 के पार, वो उनका सपना है और सपना ही रह जाएगा, और सपने में शायद उन्होंने जो बोला 75 पार वो सच करके दिखा दिया। उन्होंने प्याज के रेट भी 75 पार कर दिए, टमाटर भी, पेट्रोल भी, डॉलर भी, सब 75 पार कर दिया। तो ठीक है, अब कांग्रेस आएगी, अब कोई सुन रहे हैं आप उनके मुंह से, शुरू में कहते थे वो, अब तो कांग्रेस पकड़ बना चुकी है और कांग्रेस की सरकार बनी। हाँ, एक मैडम जैसा कि सुनने में आया है कि सबके बैनर जो थे वो लगे हुए थे और वो वहाँ से उखाड़े गए। सही सुना है आपने, सही सुना है, क्योंकि वो खौफजदा है, उनके मन में डर है कि कहीं अब ये लोग ना जीत जाएं, और इसके लिए वो गलत प्रचार शुरू कर गए हैं, उन्होंने बहनों सुधारने शुरू कर दिए। प्रशासन को कहें तो उनकी क्या गलती है, उनको तो इतना डराया जा रहा है, एक ही पार्टी के क्यों उतार है, दोनों के उतारने हैं, प्रशासन का काम है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। जो मौजूदा सरकार है उससे डरते हैं, तो जो अभी नया प्रतिद्वंदी, जो नया एक कैंडिडेट आया है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, पर हम भी दबने वाले नहीं हैं, हमारे साथी बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, इसलिए जो काम होगा वो अच्छाई के रास्ते पर चलकर होगा और अच्छा ही नतीजा निकलेगा। ये सभी के समाचार, आए कुछ खास खबरों के लिए बंद रही फाइव न्यूज़ इंडिया के साथ।